सो गाइस, कैसे हो आप लोग। WWE अपडेट्स इन हिंदी के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि WWE की हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुंच सके सबसे पहले। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा कि WWE में रेसलरों के नाम अलग होते हैं और उनके रियल लाइफ में नाम अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रॉक की बात कर लेते हैं। रॉक का रियल लाइफ में नाम है ड्वेन जॉनसन और WWE में द रॉक। सो गाइस, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि WWE ऐसा क्यों करती है, रेसलरों के रियल नाम चेंज करके WWE अपना मनपसंद नाम क्यों लगा देता है। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि WWE अपने रेसलरों के नाम क्यों चेंज करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है कॉपीराइट प्रॉब्लम। कॉपीराइट का मतलब हम सब लोगों को पता ही है कि आप किसी के मटेरियल यानी जिसने ये चीज बनाई है हम उसका यूज नहीं कर सकते ओनर के परमिशन के बिना। इसके लिए WWE ने रेसलर के रियल नेम चेंज करते हैं, क्योंकि उनका रियल नेम इस दुनिया में लाखों होंगे। तो इसलिए WWE जो रेसलर की पहचान बनाता है उसका फायदा कोई और कंपनी ना उठा ले, इसके लिए रेसलरों के नाम चेंज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आप ये नाम किसी भी बिजनेस पे यूज नहीं कर सकते WWE के परमिशन के बिना। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जॉन मॉर्सन जो पहले WWE में थे वे अभी इंपैक्ट रेसलिंग में है। WWE में उनका नाम जॉन मॉर्सन था, लेकिन इंपैक्ट रेसलिंग में आते ही उनका नाम जॉनी इंपैक्ट हो गया। सो गाइस, WWE के द्वारा कोई एस्टैब्लिश किया हुआ नाम का फायदा कोई और ना उठाए, इसके लिए WWE रेसलर के नाम चेंज करते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बोलने में आसानी हो, यानी इजी टू प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं रोमन रेंस। ये नाम सुनने में और बोलने में भी बहुत आसान है। अगर रोमन रेंस का असली नाम जो कि है लेटी जोसेफ एनोए, ये नाम सुनने में भी और बोलने में भी बहुत हार्ड है, और इसके लिए अनाउंसर को भी काफी दिक्कत होगी जब उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो इसलिए WWE रेसलरों का रियल नेम चेंज करके उनको वैसा नाम देता है जो कि सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगे और बोलने में भी आसान हो। थर्ड रीजन जो कि है फिक्शनल कैरेक्टर। किसी एक महान इंसान ने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके नाम से है, और फर्स्ट इंप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी चीज़ में। WWE में कैरेक्टर वाइज नाम दिया जाता है। उनके WWE में जिस प्रकार का रोल है उस हिसाब से उनका नाम सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं अंडरटेकर, जिसका नाम सुनने में ही डर लगता है और उनका कैरेक्टर भी ऐसा है। एक बार इमेजिन करो कि अंडरटेकर के नाम की वजह द मिज रखा गया, और अनाउंसर जब द डेड मैन अंडरटेकर की जगह द डेड मैन मिज बोलेंगे तो ये सुनने में कैसा लगेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए WWE अपने रेसलर का नाम सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और WWE अपडेट्स की हिंदी को आप अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि WWE के हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुँच सके सबसे पहले। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.